एशिया कप का जंग जीतने के लिए रोहित कोहली ने बनाया अनोखा प्लान। लंका के खिलाफ आतंक मचाने वाला फाइनल से अचानक हुआ बाहर। फाइनल से 5 घंटे पहले कोहली ने श्रीलंका को बर्बाद करने की खाई कसम। रोहित ने बेलालगे के खिलाफ बनाया खुफिया प्लान। फाइनल से पहले भारत के 4 खिलाड़ियों से क्यों डरा पूरा श्रीलंका? बारिश की वजह से मैच होगा रद्द तो कौन बनेगा एशिया का चैंपियन? पहले मैच में तुक्के से 5 विकेट लेने वाले दुनित बेलालगे का आज फाइनल के जंग में भारतीय बल्लेबाजों के सामने अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि सुपर फोर में 20 साल के नए नवेले गेंदबाज बेलालगे की गेंद पर आउट होने के बाद रोहित और विराट कोहली बेलालगे से बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर गुस्से की आग में उबल रहे हैं। फाइनल से 5 घंटे पहले ही रोहित और विराट कोहली ने दुनित बेलालगे के खिलाफ खुफिया प्लान बना लिए हैं। फाइनल की जंग में श्रीलंका का दहन करने के लिए शुभमन गिल और केएल राहुल भी अपनी कमर पूरी तरह से कस चुके हैं। जिस तरह से अपने धोनी भैया ने श्रीलंका को फाइनल में मिट्टी में मिला के एशिया का किंग 2 बार बने थे, ठीक उसी तरह अपने शर्मा जी के बेटे भी धोनी की राह में चलते हुए श्रीलंका को ध्वस्त करके 8वीं बार हिंदुस्तान को एशिया का चैंपियन बनाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ अपने बल्ले से आतंक मचाने वाले अक्षर पटेल चोटिल होने की वजह से फाइनल की जंग से अचानक से बाहर हो चुके हैं। रोहित शर्मा ने आनन फानन में भारत से वाशिंगटन सुंदर को फाइनल के लिए श्रीलंका बुला लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में कुशल मेंडिस ने अपने बल्ले से शानदार विस्फोट किया था। कुशल मेंडिस के खिलाफ भी रोहित शर्मा ने खुफिया प्लान बना लिया है फाइनल से 4 घंटे पहले ही। फाइनल मैच से 5 घंटे पहले श्रीलंका के सभी खिलाड़ी भारत के 4 खिलाड़ी विराट कोहली, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव का वीडियो बार बार देख रहे हैं। दोस्तों, यह 4 खिलाड़ी जो कि भारत के आज ट्रंप कार्ड साबित होने वाले हैं। विराट कोहली हमेशा श्रीलंका के खिलाफ शानदार बैटिंग करते हुए चले आए हैं। विराट कोहली का श्रीलंका के खिलाफ 55 से भी ज़्यादा का औसत है वनडे क्रिकेट में। जिस मैदान पर यह मैच खेला जाएगा, जिस मैदान पर यह फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा, इस मैदान पर विराट कोहली कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो जाते हैं। रोहित शर्मा से भी आज फाइनल के मुकाबले में एक अच्छी पारी की उम्मीद होगी, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा पहले ही ओवर में नए नवेले गेंदबाज की गेंद पर 0 रन पर आउट हो गए थे। उस मैच में भारत का पूरा बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया था। सिर्फ शुभमन गिल ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने शतक जड़ते हुए बांग्लादेश के सभी खिलाड़ियों का अच्छे से सामना किया था। इस मैच में कुलदीप यादव की भी वापसी हो जाएगी। कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। कुलदीप यादव को खेलना श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होने वाला है, तो वहीं पर श्रीलंका की गेंदबाजी हमेशा से काफी ज्यादा स्ट्रांग रही है और श्रीलंका की टीम भी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रही है। श्रीलंका के गेंदबाज शानदार फॉर्म में, श्रीलंका के बल्लेबाज हमेशा अच्छी शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। आप सबका क्या ख्याल है दोस्तों, इस फाइनल के मुकाबले में कौन जीतने वाला है? क्या हिंदुस्तान 8वीं बार एशिया का चैंपियन बनने जा रहा है या फिर श्रीलंका भारत की बराबरी करते हुए 7वीं बार एशिया कप का चैंपियन बनने जा रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा।